नमस्कार, डीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। तपती गर्मी में सड़कें वीरान, लोग परेशान। रविवार को तापमान पहुंचा 41 डिग्री तक। पानी की किल्लत से जनता परेशान, कई जगह सड़कों पर उतरी जनता। पार्षद बन रहे को भाजन, आपात स्थिति में 2 दर्जन पार्षदों ने नगर निगम के विरुद्ध खोला मोर्चा। कहा जल्द करे समस्या का निदान, बुधवार को देंगे सांकेतिक धरना। पानी नहीं मिला तो उतरेंगे सड़क पर। और मदर्स डे पर धरती माँ को याद कर जल दोहन पर लगाम लगाने की हुई चर्चा। अंबेडकर संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दरभंगा महाराज के पौत्र भी हुए शामिल। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा। सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट में IIT नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग IIT JEE की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th NTSE KVPY ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल। कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर अललपट्टी नियर रेलवे गुमती। आवर साइलेंट फीचर्स, स्पेशल अटेंशन टू स्मॉल किड्स, अ को एजुकेशन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th। फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 10th। बेस्ट एजुकेशन, CBSE पैटर्न इन इंग्लिश मीडियम, डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टीम ऑफ टीचर्स हु विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक योर वर्ड अ कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल मैन। रेसिडेंशियल कम डे स्कॉलर्स, कंप्लीट इंग्लिश एनवायरनमेंट, एनरिच्ड लाइब्रेरी, साउंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ऑल वायबल रूट्स एट मिनिमम कॉस्ट, प्ले वे मेथड फॉर किड्स, एक्स्ट्रा करिकुलम, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस क्लासेज, रिमेडियल क्लासेज, टीचिंग थ्रू वेल एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड टीचर, स्पेशल स्ट्रेस ऑन गुड हैंडराइटिंग एंड डिसिप्लिन, वेल मैनेज्ड लाइब्रेरी हैविंग गुड स्टॉक ऑफ डिफरेंट पब्लिकेशन बुक्स, एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन सोशल एंड मोरल बिहेवियर फॉर मेकिंग देम नॉट ओनली सक्सेसफुल बट ऑल्सो अ गुड ह्यूमन बींग। Where learning is the passion, short time, big difference. You have just taken your first step to a successful career. Hurry up, admission is going on. If you need true education, then register your ward at Captain International School. Captain International School, jiska mobile number hai 9525022820, एवं दूसरा मोबाइल नंबर है 8969686343। आज ही आइए और आज ही अपने प्यारे दुलारे बच्चों का नामांकन इस आवासीय सह दिवसीय विद्यालय कैप्टन इंटरनेशनल स्कूल रसूलपुर में अवश्य करवाइए। और अब समाचार विस्तार। बात सबसे पहले गर्मी की। जी हाँ, भीषण गर्मी से लगातार परेशान हो रहे हैं लोग। तपती गर्मी और सुलगती धरती। दिन में रविवार को दरभंगा में तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया और जरूरतमंद ही लोग घरों से निकले। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और कई लोग मजबूरी में घर से निकलकर सड़क पर देखे गए। इक्के दुक्के वाहन ही चलते रहे, सड़कें रही वीरान।
तपती धरती और चढ़ते तापमान की वजह से गर्मी भी आसमान छू रहा। सुबह के 11 बजे से पारा चढ़ने लगता है और 3 बजे तक आलम यह रहता है कि घर से निकलना तक मुश्किल है। जरूरत के हिसाब से ही लोग सड़कों पर दिखाई देते हैं, वह भी इक्के दुके, सड़कें सूनी और वीरान होती है। जरूरत पड़ने पर भी लोग गमछा, छाता या फिर चेहरे को ढक कर निकलते हैं। रमजान का महीना चल रहा, रोजा भी रखना जरूरी है और इसके साथ साथ काम भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है, कहते हैं स्टूडेंट। पढ़ाई की मतलब हम लोग का रमजान चल रहा है, हम लोग मुस्लिम से बिलोंग करते हैं, हम लोग का रमजान चल रहा है। प्लस कॉलेज में इतना मतलब गर्मी हो रही है, इतना परेशान हो रहा है कि छाता से भी आते तो भी संतुष्ट न मिलती है, इतना परेशान है। लेकिन क्या करेंगे, आना पड़ता है। आप क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है, क्या कहेंगे गर्मी के बारे में? तो बहुत परेशानी है कि हम लोग रमजान रखे हुए हैं, रोजे से हैं, ले जाना पड़ता है काम से। सुबह का तापमान 26 और दिन चढ़ने के साथ ही तापमान भी बढ़ता जाता है। रविवार का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी से कोई निजात नहीं मिलने वाली, मौसम इसी तरह गर्म रहेगा। हम लोग 28-30 साल से हित में फंसे हुए हैं। क्या इस तरह का गर्मी आपने कभी देखा? नहीं देखा था, इसी बार बहुत हद है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। बात पानी की, जल संकट के दौर से गुजर रहा है दरभंगा। कभी जहां कहा जाता था कि दरभंगा पानी का ससुराल है, यहां का हाल बेहाल है, लेकिन पानी की किल्लत ने लोगों को जल के महत्व को बता दिया है। लगातार दिन प्रतिदिन घटती लगातार जल स्तर और उसके कारण जूझते लोग, कंक्रीट सड़क से लेकर सबमर्सिबल से पानी खींचने की जो लगातार एक दौर चल रहा है, उसका खामियाजा भुगत रहा है दरभंगा। सक्षम लोग सबमर्सिबल गड़ा रहे हैं, मध्यम वर्ग वाले किसी तरह कर्ज लेकर कतार में हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग वाले जाए तो जाए का। 12 साल से दरभंगा में PHD का पाइप लाइन का पानी फस फस कर निकल रहा है और पाइप में ही फंसा है। जिला पदाधिकारी के निर्देश के बाद और कड़े रुख के बाद उसमें तेजी आई है, लेकिन कहीं पानी निकलता है तो कहीं कम गिरता है, कहीं जब पानी की शुरुआत होती है तो सड़कों पर फव्वारा छूट पड़ता है। आलम यह है कि लोग घर घर नल जल योजना की बात छोड़े स्टैंड पोस्ट भी लगातार सक्सेस नहीं है, सफल नहीं है, लेकिन जिला पदाधिकारी ने कहा है कि यथासंभव स्टैंड पोस्ट का निर्माण कर उसमें बढ़ोतरी कर पानी से पानी की किल्लत को कम करने का प्रयास किया जाए। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर नगर निगम ने 1 दर्जन पानी टंकी की भी खरीद की है और 2 दर्जन खरीद का आदेश हुआ है, लेकिन यह नाकाफी है। पानी की किल्लत इस तरह है कि लगातार लोग जगह जगह जनता सड़क पर उतर रही है, जनप्रतिनिधि इसके आक्रोश का शिकार हो रहे हैं। आनंद फानन में दरभंगा नगर निगम के 2 दर्जन से अधिक पार्षदों ने बैठकर निर्णय लिया कि अब भी नगर निगम नहीं चेता तो वे आंदोलन करेंगे और इसे तो सांकेतिक रूप में बुधवार को दरभंगा नगर निगम पर वे प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। आचार संहिता की बात को लेकर जहां निगम प्रशासन और महापौर ने कहा कि अभी वे कुछ नहीं कर सकते हैं, इस पर पानी की समस्या को आपात समस्या बताकर पार्षदों ने अपने गुस्से का इजहार किया और यहां तक कह डाला कि जनता को पानी अगर नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये लगातार जनवरी से ही पार्षदगण लिखित रूप में, मौखिक रूप से महापौर को, नगर आयुक्त को कहते आ रहे हैं कि समय रहते पानी की किल्लत का उपाय ढूंढे, अन्यथा गर्मी में इसकी काफी किल्लत होगी और वह समय आ गया। निगम प्रशासन लगातार कभी आचार संहिता के बहाने तो कभी राशि के बहाने काम को अटकाए रहा और अंततः नगरवासियों को समुचित रूप से पानी नहीं मिला। जहां पानी मिल भी रहा है तो लंबी कतार है, लोग परेशान।
पार्षदों का गुस्सा आक्रोश यह जताता है कि किस तरह जनता पानी के लिए उन्हें परेशान कर रही है और सबसे ज्यादा को भाजन जन प्रतिनिधि में पार्षदों को होना पड़ रहा है। पार्षदों का कहना है कि जहां सांसद विधायक और महापौर है पार्षदों को कोई अधिकार नहीं, उसके बावजूद भी उन्हें को भाजन बनना पड़ रहा है जबकि उनके हाथ में कोई पावर नहीं, लेकिन नैतिक दायित्व है कि जनता के हित में वे लड़े। पानी के लिए हाहाकार है, शहर में हर घर में इसकी दरकार है, जाएं तो जाएं कहां, किससे करें फरियाद। जब दिसंबर जनवरी माह में ही आलम था कि कल सूखने लगे थे, उसी समय अंदाजा हो गया था कि स्थिति क्या होगी। और ऐसी परिस्थिति में स्थिति वही हुई। मई में जब भीषण गर्मी ने दस्तक दिया तो रहा सहा चापाकल भी सूख गया और लोगों के बर्तन बाहर निकलने लगे। सक्षम लोग समरसेबुल के सहारे तो पानी निकालते रहे, मध्यम वर्ग वाले भी कतार में रहे, लेकिन निम्न वर्ग वाले आए, जाएं तो जाएं कहां। आलम यह है कि पीएचडी का जो पाइप 2005 से लगातार पाइपलाइन में फंसा है, उसमें पानी फंस फंस कर कहीं निकलता रहा। जिलाधिकारी की फटकार लगी तो पानी निकला और कहीं कहीं ज्यादा फटकार लगी तो सड़क पर ही जल जमाव का दृश्य लेने लगा। शुद्ध पानी अलग की बात है, सामान्य पानी के लिए भी लोग तरस गए। चापाकल ने दम तोड़ दिया, मोटर ने दम तोड़ दिया और लोग पानी के लिए एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहे। रास्ता सड़क जाम तक पहुंचा, लोग सड़क पर उतरकर पानी की मांग के लिए नगर निगम से लेकर जन प्रतिनिधियों के हाय हाय का नारा लगाने उतर गए। ये आलम है, शनिवार को गुस्सा फूट पड़ा कादराबाद में जब वार्ड नंबर 4 के लोग बाल्टी और बर्तन लेकर सड़क पर उतर गए। यहाँ पानी के लिए बाढ़ का ससुराल कहा जाता था, दरभंगा सूखे की मार से झेल रहा है और एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। सबमर्सेबुल युग में चापाकल ने दम तोड़ दिया, कंक्रीट सड़क ने पानी को सुखा दिया और नगर निगम की लचर व्यवस्था ने पानी के लिए बाहर भटकने, आंदोलन करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। कभी खादान के लिए, कभी मिट्टी तेल के लिए लाइन लगाने वाले दरभंगा के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और इसकी आहट तो दिसंबर जनवरी में ही शुरू हो गई थी। महापौर को 2 दर्जन पार्षदों ने बैठक कर उस समय दिया। जिलाधिकारी नए आए थे, उन्होंने इस पर संज्ञान लिया। 15 फरवरी को उन्होंने विशेष बैठक की, नगर निगम को निर्देश दिया, लेकिन नगर निगम की सुस्त चाल ने सभी को आचार संहिता में फंसकर कहने का बहाना बनाकर अंततः अपना काम इतिश्री बता दिया। अब आलम यह है कि चुनाव हो चुका है, जन सुविधा केंद्र के नाम पर कुछ टैंकर पानी भेजकर नगर निगम इसकी खाना पूर्ति कर रहा है जो नाकाफी है। जब त्राहिमाम संदेश देखकर जिलाधिकारी ने पुनः पहल की और रमजान को देखकर स्वयं सड़क पर निरीक्षण के लिए उतरे तो नगर निगम की निद्रा टूटी। पानी की समस्या तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है और यह पूरे दरभंगा शहर की समस्या है, इसलिए हम समस्या के निदान के लिए बुधवार को धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमें इस समस्या से नहीं निदान मिला तो हमें अपने पोस्ट पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतनी परेशान है महिला पार्षद कि कह रही है कि जनता को पानी नहीं तो रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, लेकिन नगर निगम की निद्रा टूटे तब तो। पानी की समस्या तो सारे वार्डों में है, वही हम लोग चाहते हैं कि बुधवार के बैठेंगे
धरना पर। वार्ड 20 की पार्षद बेला देवी के वार्ड में ही टंकी गड़ा है, लेकिन पानी पानी के लिए तरस रहे हैं वार्ड के लोग। अंततः उन्हें भी जनता के साथ धरना पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। पंडित वेद व्यास जिनके वार्ड में शनिवार को आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया, उनका कहना है कि अब जनता का साथ नहीं देंगे तो आचार संहिता में फंसकर खुद बाहर निकल जाएंगे। जनता नहीं छोड़ेगी और पानी मूलभूत समस्या है। कल भी हमारे वार्ड में ऐसा हुआ था कि पूरे वार्ड के जनता एक मुश्त होकर रोड पे आ गए थे पानी की समस्या के लेकर। पानी तो हमारे वार्ड में किसी प्रकार का आ नहीं रहा है और जूझ रहे हैं हम लोग, सभी आदमी जूझ रहे हैं उस उग्र होके, है ना। हम लोग लगता है कि अब रोड पर उतरेंगे और एक आज हम औपचारिकता बैठक हम पार्षद माननीय पार्षद मिलकर किए हैं, जिसकी 16 तारीख को हम लोग बुधवार को नगर निगम में एक बैठक औपचारिकता रूप से करेंगे और उससे नहीं मानेंगे तो हम लोग आंदोलन और उग्र रूप से जिला प्रशासन के भी खिलाफ हम लोग जाएंगे। वार्ड नंबर 6 के पार्षद भरत सहनी भी पानी की किल्लत से जनता का कोपभाजन बन रहे हैं, उनका गुस्सा झेल रहे हैं। मुश्किल हो गया जनता को, इतना पानी का दिक्कत और हाहाकार मच गया है। चापाकल कहा था ठीक भी होगा, कुछ चापाकल इंडिया मार्केट था, आज तक आता है जांच करके जाता है, आज तक चापाकल भी ठीक नहीं होता है। और पानी के लिए बोला था 3-3 समय से उठ देंगे, पेपर में दे देता है, किसी पार्षद को मिलता नहीं है, सरकारी सुनता है वार्ड में। और ये तो कहता है आचार संहिता लगता है, आचार संहिता अगर लग रहा था तो 12 बजे उठते हैं ग्राम का खरीद लिया तो जितना विभागीय काम करा देता किसी तरह, तो पानी तो घर घर पहुँच जाता है। पानी के लिए जितना हाहाकार मच रहा है और बुधवार के हम लोग बैठक धरना कर रहे हैं, अगर उस पर नहीं कार्रवाई होगा तो फिर अनशन पर बैठेंगे हम लोग, लगातार अनशन पर बैठेंगे वार्ड के जनता के लिए। 4800 वार्ड के जनता के लिए पानी की दिक्कत नहीं होने देंगे हम लोग, एकदम खड़े हैं और जनता के साथ हैं, पानी की दिक्कत समस्या नहीं होने देंगे हम लोग, प्रयास में लगे होंगे सब जनता के पास पानी पहुँचे। रमजान की तपिस में जल जमाव का डंस झेल रहे पूर्व पार्षद मुन्ना खां, वर्तमान में उनकी पत्नी भी पार्षद है, परेशान है, कहते हैं किससे करें फरियाद, यहाँ तो मानो हर कोई मुर्दा हो गया, नगर निगम नाम की कोई चीज नहीं। पिछले 10 सालों से हम लोग झेलते आ रहे हैं जल निकासी का, लेकिन अभी जो इस समय जबरन समस्या है वो है जल, पेयजल को मुहैया कराने का। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि धन और बल पर लोग मेयर डिप्टी मेयर बन जाते हैं, लेकिन ये धन और बल उस वक्त क्यों नहीं यूज़ करते हैं जब जनता को समस्याओं से जूझते हुए उसे निवारण का वक्त होता है। अभी मैं सबसे पहले चाहूँगा जो हमारी मेयर महोदय है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप जमीनी स्तर पर आके देखें कि जनता को कितनी परेशानी हो रही है पानी का। ये रमज़ान का महीना है, पीने के लिए लोग पानी परेशान हैं कि आखिर पेयजल कहाँ से लाएंगे, सबका ट्यूबवेल सूख गया है। हत्ता कि ये है कि समरसेबल भी अब पानी टाइम टू टाइम देना शुरू किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वार्ड में PHED डिपार्टमेंट हो और वहाँ जो पेयजल संकट हो, इसके लिए जो सीधे जिम्मेदार नगर निगम है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मेयर महोदय हैं इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, उनको नहीं लगता है कि जनता द्वारा वो चुन के आई हैं, इसीलिए वो जनता का ध्यान नहीं दे रही हैं। पूर्व पार्षद मनोज मंडल का भी दर्द कम नहीं है, वे भी परेशान हैं, जनता पानी मांग रही है लेकिन यथासंभव पूरा कर नहीं पाते हैं, तो फिर नगर निगम को कोसते नहीं थकते। हमारे ही वार्ड में नहीं है, पूरे 48 वार्ड में पूरे शहर का समस्या है। हम लोग पूर्व में भी DM साहब के यहाँ पिटीशन दिए थे, उस पर मीटिंग संज्ञान लिए जिलाधिकारी महोदय, उस पर नगर निगम जो है लापरवाह हो गए। आज हम लोग पूर्व में फिर सूचना के अधिकार पर आज हम लोग बैठक किए हैं, जिसमें बहुत सारे पार्षद जुटे हैं कि अगर हर वार्ड में जल नल की जो योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री साथ निश्चय का, उस पर अविलंब अगर कार्रवाई नहीं होता है महापौर की ओर से, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करने जा रहे हैं बुध को, और उस दिन तक अगर कार्रवाई नहीं होगी बुध के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जनता को लेके हम लोग बैठेंगे, क्योंकि जन समस्या है, ये हमारे ही वार्ड 5 वार्ड का ही नहीं पूरे 4800 वार्ड का ये समस्या है। वार्ड नंबर 14 के पार्षद पति भी परेशान है, पत्नी का सहयोग कर रहे हैं लेकिन फिर भी पानी की आपूर्ति सही नहीं हो पा रही है, जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा है।
हमारे वार्ड की जनता को पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन पीएसडी ऐसा पानी टंकी बनाया है जो हजारों लीटर पानी रोड पर जब पानी चालू किया जाता है तो बह जाता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम बार बार जो है एक बार विभाग को भी लिख करके दिए हैं तो भी अभी तक रिपेयरिंग नहीं किया, पर जगह जगह लीकेजिंग है। आज डीएम साहब से भी हमारी बातचीत हुई है, हमने अपनी शिकायत दर्ज कराया है, जो अविलंब उसको ठीक किया ठीक करके और जनता को पानी मुहैया कराया जाए। पार्षद मधुवाला सिन्हा का भी कहना है कि पानी की समस्या हर वार्ड में है और पूरी तरह अपने वार्ड पार्षदों के साथ है, पानी मिलने तक लगातार लड़ाई जारी रहेगी। पार्षद महोदय लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत किए कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, सब पार्षदों की पानी की समस्या के लिए जूझना पड़ रहा है, हर वार्ड में पानी की समस्या है और पार्षदों को फैयत हो रही है, पानी नहीं पिला रहे। अगर हम लोग पानी नहीं पिलाएंगे तो इस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। एक पानी ऐसा ही जल ही जीवन है, जो हम लोग को पानी देना बहुत अनिवार्य है और नगर निगम में, नगर निगम चाहेगी तो बहुत व्यवस्था कर सकती है, नगर निगम पानी की व्यवस्था होगी हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग नगर निगम को लिखित तौर पर दे रहे हैं कि बुधवार के दिन हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे सांकेतिक। अगर वो लोग नहीं मानेंगे, पानी की समस्याओं को दूर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग अनशन पर बैठेंगे। पूर्व पार्षद गौरी शंकर भी परेशान है, वर्तमान में उनकी पत्नी पार्षद है और लगातार जूझ रहे हैं पानी की समस्या से। उसके बाद लालवागिरिया में पानी दो तीन गो स्टैंड पोस्ट बना करके चला गया और पानी का इतना हाहाकार, सारा चापाकल सूख गया है, मोटर नहीं चलता है, रमजान का पवित्र महीना है, उसमें पानी का कहीं कोई निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले भी हम लोग कई बार लिख करके दे चुके हैं, व्यक्तिगत मिल के भी कह चुके हैं, लेकिन उन लोग कोई इसके और कोई ध्यान ही नहीं देता, जाइए तो टाल देता है आचार संहिता, जब कोई बात की जाए आचार संहिता। हम लोग ये स्थिति आ गई है कि लोग एक एक सप्ताह से नहा नहीं रहा, कई लोग घर में खाना नहीं बन रहा है, कई लोग शादी विवाह का डेट बढ़ा रहा है, इतना त्राहिमाम पानी के लिए बोल रहा है। तो उसी पर हम लोग एक आपातकालीन बैठक नगर निगम में बुलाए थे, वहाँ अब जिसके द्वारा भी वहाँ गेट नहीं खोला, रूम बंद करके चपरासी भाग गया, एक आपातकालीन बैठक पानी के मुद्दा पर हम लोग बैठे हैं। हम लोग एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, अगर यदि बुधवार को हम लोग सामूहिक धरना पर बैठेंगे, अगर यदि दो से तीन दिन का समय देंगे, यदि इस पानी के समाधान के लिए पूरे शहर में अगर यदि नियम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया गया तो हम पार्षद, जितना भी पार्षदगण हैं, अब कुछ हम जैसे हम पूर्व पार्षद हैं, पार्षद के साथ हम लोग भी सहयोग करेंगे और हम लोग भी आमरण अनशन करेंगे। पानी की दरकार हर घर में और पानी मांगो तो पानी क्या मिले, जब दुत्कार मिले तो जनता आक्रोशित हो जाती है। वोट के लिए जनप्रतिनिधि दरवाजे तक गुहार लगाते हैं, लेकिन यही जनप्रतिनिधि के पास जब जनता पानी मांगने आती है तो करे तो क्या करे। जिनके आंख में पानी है वे जनता के साथ हो जाते हैं और जिनके आंख का पानी मर चुका है वो फिर कन्नी काट के बगल निकल जाते हैं। पानी ने अपना रंग दिखाया है, पानी ने अपना महत्व दिखाया है, हर घर से पानी गायब है और ऐसे में जनता किससे करे मांग। जनप्रतिनिधि को भाजन बन रहे हैं या फिर सहानुभूति लेने के लिए उनके साथ हैं, मजबूर हैं और नगर निगम के विरुद्ध प्रशासन के विरुद्ध आवाज नहीं उठाएंगे तो को भाजन बनना पड़ेगा। आलम यह है कि जिलाधिकारी दो बार विशेष बैठक कर चुके हैं, खुद रमजान को देख सड़क पर उतर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम की गति सुस्त गति है, धीमी गति का समाचार बनकर नगर निगम कभी आचार संहिता तो कभी फंड का रोना बताकर इस मामले को टाल रहा है। जनता जाए तो जाए कहां, किससे करे फरियाद। अब देखना है कि बुधवार को दो दर्जन पार्षदों ने ज्ञापन देकर महापौर को चेतावनी दी है कि संभल जाइए समय रहते, अन्यथा जनता के साथ सड़क पर उतरेंगे तो फिर क्या होगा निगम का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब जनप्रतिनिधि ही, दो दर्जन जनप्रतिनिधि ही एकजुट हो रहे हैं इस मुद्दे पर तो इस समस्या को समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर समस्या है, दरभंगा किस कदर जूझ रहा है पानी के संकट से।
जल संरक्षण के लिए तालाब संरक्षण और जल संचय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उक्त बातें अंबेडकर संस्थान के अध्यक्ष रवि पटवा ने कही। मदर्स डे पर भारत माँ को जल संरक्षण के मुद्दे पर आयोजित सेमिनार में उन्होंने कहा कि धरती भी माँ है और इस बार जल संकट है, माँ को जल की दरकार है और इसी मुद्दे पर उन्होंने विचार व्यक्त किया, स्थायी निदान की बात। मदर्स डे के अवसर पर धरती माँ की याद आई और इस पर पृथ्वी माँ को बचाने जल संरक्षण के मुद्दे पर रविवार को मूसासा सिटी सेंटर में सेमिनार आयोजित हुआ। रवि के पटवा जो हिंदी फिल्म के लेखक निर्माता निर्देशक है और अंबेडकर संस्थान है उसके नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया। सबसे बड़ी बात रही कि मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा महाराज के पौत्र रत्नेश्वर सिंह और MLSM कॉलेज के प्रधानाचार्य विद्यानाथ, KD प्रसाद एक्स जनरल मैनेजर एवं अन्य लोग इसमें शामिल हुए। इस अवसर पर रवि के पटवा ने विस्तार से बताया कि मिथिला की धरती सूख रही है, जल की दरकार है, नगर निगम आम जनता के जल सप्लाई हेतु समरसेबुल लगा रहा है जो कि जल स्तर को और भी निम्न स्तर पर पहुंचा रहा है और सबसे ज्यादा गरीब इसके शिकार हो रहे हैं। सभा को विजयश्री ने भी संबोधित किया। इन्होंने कहा कि तालाबों का शहर दरभंगा दिन प्रतिदिन भू माफिया के कारण सिकुड़ता जा रहा है, उसकी संख्या कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिला प्रशासन जिलाधिकारी से उन्होंने बात की है और इस संदर्भ में जो भी उपाय होगा वे करेंगे। मैंने पहला प्लान किया है इस दरभंगा के लिए वाटर हार्वेस्टिंग। अब वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जापान में है, इंडोनेशिया में है, बहुत से देशों में है, थाईलैंड में भी है। वाटर हार्वेस्टिंग ये होता है कि जिसका जो भी घर है, जितने भी घर हैं इस मिथिला में, वो जमीन के स्तर जो जमीन होता वहाँ पर एक बड़ा बहुत बड़ा डिश बनाया जाता है जो जब बारिश का पानी होता है वो उसमें इकट्ठा होता है, जो नीचे पाताल तक छूटता है यानी कि वो होता है वाटर हार्वेस्टिंग। हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग का प्लानिंग किया जाएगा। यहाँ से 25-30 साल पहले उसमें स्नान कर गंगा में स्नान कर काले गंगा मैया की पूजा, फिर गंगा घास की पूजा, फिर ब्रह्मा बाबा की पूजा, ये सब लोग करके प्रकृति संरक्षण का पर्व मनाते हैं, आज भी मनाते हैं। मैंने देखा और उस छटपटाहट को महसूस करते हुए उन्होंने ये कार्यक्रम रखा, तो ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये भागीरथ प्रतिज्ञा है जिसे रवि के पटवा जी लेके आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह गंगा मैया का अवतरण इस धरती पे हुआ, तो गंगा मैया को लाने के लिए जिस प्रकार से भागीरथ ने एक तपस्या की थी, वो भागीरथ तपस्या क्योंकि वो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने शिव की जटा से स्वर्ग से धरती पे उतारा गंगा को, तो ये अपने में एक अद्भुत बात है। और गंगा जैसी पावनी जल इस पृथ्वी को मिली तो आप समझ जाइए जो कहते नहीं है गंगा तेरा पानी अमृत हर घर बहता जाए। मदर्स डे पर धरती माँ की याद और पानी के लिए तरपती धरती की याद। वीरेंद्र कुमार, BTN न्यूज। गौरवशाली दरभंगा की ओर से एक तरफ भीषण जल संकट के बीच निशुल्क जल सेवा की शुरुआत एक संस्था के द्वारा किया गया और इसकी शुरुआत तो महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने। जल के लिए जूझ रहे दरभंगा में संस्था द्वारा निशुल्क जल सेवा की शुरुआत की गई और इसका प्रारंभ महापौर बैजंती देवी खेड़िया ने किया। बूंद बूंद से भरती गगड़ी और भले ही जल की किल्लत हो, बहरहाल कहीं से कोई आस कोई उम्मीद, एक संकेत संस्था द्वारा। गौरवशाली दरभंगा की ओर से प्याऊ जल की यह शुरुआत। कहाँ मिले दरभंगा वासी यही करना चाहिए, ऐसे ही लोग सब मिलजुल के सहयोग करें और जगह जगह प्याऊ लगाएंगे, पानी की व्यवस्था रखेंगे तो
तो जो समस्या अपने दरभंगा शहर में हो गई है वो कुछ से उससे निजात हम लोग को मिल सकता है। और इनका बहुत बड़ा हम इनको बहुत बड़ा आभारी हैं इनके कि इन्होंने ये जल की पिलाने की जो व्यवस्था की है बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा उपकार है, इससे बड़ा उपकार कुछ नहीं हो सकता है। जल ही जीवन है, इसके बिना कोई इंसान नहीं रह सकता है। एक दिन हम लोगों को एक घंटा पानी मिलता है, हम लोग चटपड़ा आते हैं। और समस्या में इन लोग धूप छांव को नहीं देखते हुए इन लोग प्याऊ का जो व्यवस्था किए हैं ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसका निदान इसी तरह सब शहरवासी मिल करें तो कहीं भी कोई कोई धरना या प्रदर्शन जो करते हैं उनको नहीं बैठना पड़ेगा। और सब मिल के इसका सामना करें और सब कोई पानी के लिए तत्पर होके काम करें। और जहां भी जो दिक्कत आए नगर निगम से माध्यम से पानी की जो टैंकर चल रही है उससे भी अपना सहयोग ले सकते हैं। हम लोग तत्पर हैं, हर टाइम तैयार हैं और हमारे जहां सहयोग होगा पानी के लिए हम सब तरफ से। बाकी अभी और भी बहुत कुछ लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। चौक से आगे बिहार टेंट हाउस के सामने लहरिया सराय दरभंगा डॉक्टर रूही आसमीन निसंतान दंपति विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन एंड रेसिडेंटल स्कूल रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द सीजन 2019-20 कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट क्लासरूम्स विथ स्मार्ट स्क्रीन्स प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉडल एजुकेशन स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल खाजासराय लहरियासराय दरभंगा कॉन्टैक्ट 7061845006 9234928396। दरभंगा को विकास की ओर एक कदम और ले जाने के लिए द क्रूसेड ज्वेलर्स अपनी तरह का मिथिलांचल का पहला शोरूम जहां लोग मुफ्त में अपने गहने का कैरोमीटर से जांच कर सकते हैं। आभूषणों की नई रेंज लेटेस्ट डिजाइन के साथ उपलब्ध है। किसना और जोरवार डायमंड की लेटेस्ट डिजाइन द क्रूसेड ज्वेलर्स में खास लोअर रेंज से अपर रेंज तक की ज्वेलरी उपलब्ध है। जी रोड कॉन्टेक्ट 9006492368। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। तपती गर्मी में सड़कें वीरान, लोग परेशान, रविवार को तापमान पहुंचा 41 डिग्री तक। पानी की किल्लत से जनता परेशान, कई जगह सड़कों पर उतरी जनता, पार्षद बन रहे को भाजन। आपात स्थिति में 2 दर्जन पार्षदों ने नगर निगम के विरुद्ध खोला मोर्चा, कहा जल्द करे समस्या का निदान, बुधवार को देंगे सांकेतिक धरना, पानी नहीं मिला तो उतरेंगे सड़क पर। और मदर्स डे पर धरती मां को याद कर जल दोहन पर लगाम लगाने की हुई चर्चा, अंबेडकर संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दरभंगा महाराज के पौत्र भी हुए शामिल। भारत स्काउट और गाइड के बच्चों ने राज्य उच्च विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाकर मैदानों को साफ किया जिसमें 24 विद्यालय के स्काउट गाइड ने भाग लिया। भारत स्काउट और गाइड के बच्चों ने राज्य उच्च विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाकर स्कूल के मैदानों को साफ किया जिसमें 24 विद्यालयों के स्काउट गाइड भाग लिए। मोड़ो थाना अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान अपाची गाड़ी पर सवार एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया जिसके पास से पिस्तौल, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल जब्त किया गया। तमाम जानकारी CTSP योगेंद्र कुमार ने। मोरो थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान अपाची गाड़ी पर सवार एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका गया जिसके पास से पिस्तौल, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुआ। तमाम जानकारी CTSP योगेंद्र कुमार ने मीडिया को। मोरो थाना अंतर्गत व्हीकल चेकिंग के क्रम में ग्राम और एक जगह
वहाँ पे एक संदिग्ध आदमी को मोटरसाइकिल से जाते हुए देखा गया। तो इसको जब रोका गया तो इसने तो पहले भागने की कोशिश की, उसके बाद इसने जो अपनी जो देसी अवैध पिस्तौल है उसको ज़मीन पर फेंक दिया। तो पुलिस पार्टी ने उसको खोज के निकाला, इसको अरेस्ट किया। तो एक देसी पिस्तौल जब्त की गई, जब इसके बॉडी की तलाशी ली गई तो उसमें एक पिस्टल की मैगजीन मिली जिसके अंदर के 5 जिंदा कारतूस थे। एक मोबाइल फ़ोन इसका जब्त किया गया और इसकी एक अपाचे मोटरसाइकिल थी उसको भी जब्त किया गया। पूछताछ किया गया तो उसका जवाब संतोषजनक नहीं था। जब थाने पर ले जाकर इसको पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये इसका नाम है मोहम्मद इमरान खान, उम्र 26 साल, रहने वाला ये हायागढ़ थाना का है। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये मुजफ्फरपुर में ही कहीं से किसी आदमी से ये अवैध हथियार खरीद के लाया था और ये अपने साथ में ले जा रहा था। बाकी इसका क्या आपराधिक इतिहास है वहाँ के थानों में और ये किस पर्पज से हथियार लेके आया था और इसने क्या क्या क्राइम किए, इस बारे में इसे पूछताछ की जा रही है। और जहाँ से भी ये आर्म्स लेता है या जो अवैध हथियारों के सप्लायर हैं उनके बारे में पता किया जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस सिलसिले में 2 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की गई कल मोरू थाने के अंतर्गत। तो दो व्यक्ति कौन है? एक तपेंद्र नारायण सिंह का नाम आया है मुजफ्फरपुर में, जहाँ से इसने खुद स्वीकार किया कि यह हथियार लेके आया है। उसके यहाँ भी छापेमारी करी गई है और स्वयं इसका दूसरे का नाम FIR में डाला गया है। सरफराज आलम, BTN न्यूज। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। तपती गर्मी में सड़के वीरान, लोग परेशान, रविवार को तापमान पहुंचा 41 डिग्री तक। पानी की किल्लत से जनता परेशान, कई जगह सड़कों पर उतरी जनता, पार्षद बन रहे को भाजन। आपात स्थिति में 2 दर्जन पार्षदों ने नगर निगम के विरुद्ध खोला मोर्चा, कहा जल्द करे समस्या का निदान, बुधवार को देंगे सांकेतिक धरना, पानी नहीं मिला तो उतरेंगे सड़क पर। और मदर्स डे पर धरती मां को याद कर जल दोहन पर लगाम लगाने की हुई चर्चा, अंबेडकर संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दरभंगा महाराज के पौत्र भी हुए शामिल। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।